बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी जो अब अगर पहली बार में मैं नहीं निकलती तो शायद से बहुत लेट हो जाता, क्योंकि अभी जो बच्चे फंसे हैं वो लोग को 50-50 घंटे बॉर्डर पे रख रहे, टेम्परेचर माइनस में है वो लोग को, तो वो लोग रो रहे हैं वहाँ की लड़कियों लोग को, वहाँ के मतलब जो है यूक्रेनियन पुलिस है वहाँ पीट रहे हैं वो लोग को, मतलब बॉर्डर से भगा रहे हैं, ऐसा हाल है, किसी किसी का हाथ तोड़ दिया ऐसा। नहीं यूक्रेन गवर्नमेंट नहीं, वो कुछ नहीं बोल रहे, नहीं बस वो इंडिया वालों ने जो सपोर्ट किया बस वही था। ट्रेन वाले तो खुद ही भाग रहे हैं वहां से, तो वो लोग को क्या सपोर्ट करेंगे, वहां खुद भाग रहे हैं वहां के वो लोग के जो हैं, वो लोग के जो मतलब वहां के निवासी हैं वो लोग भाग के फिर वो की वो बॉर्डर के पास जाके, सॉरी यहाँ रोमानिया बॉर्डर के पास जाके वो लोग कार में बैठे हैं ऐसे सोए हुए हैं, कार रोड पे सोए हैं वो लोग सब, की वाले जो हैं खार्की वाले बच्चे हैं मतलब जो हैं वहाँ के, वो सब भाग के इधर आ गया। मेरा तो फर्स्ट ईयर MBBS का था, फ्लाइट से तो वहाँ हम लैंड कर गए थे 2:30 में ही, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट पे, और वहाँ से फिर ट्रेन से तो वही आज 3 बजे पहुँचे यहाँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एयरपोर्ट पे तो मेरा तो उतना नहीं था, पर अभी जो बच्चे फंसे हैं उनका बहुत बुरा हाल है, 50-50 घंटे तक वहाँ टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर पर ही वहाँ रखा जा रहा है वहाँ पर बच्चे को। मेरा उतना नहीं था वहाँ, बस मतलब रोमानिया के बॉर्डर पे बस 6 घंटा मुझे लगा वहाँ वेट कराया वो लोग, उसके बाद फिर वहाँ से फिर हम लोग को ले जाया गया रोमानिया के एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो वहाँ से फिर बस से हम लोग को मतलब वो इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड की थी, तो वहाँ से हम लोग को ले गया था रोमानिया इंटरनेशनल बॉर्डर पे, वहाँ से बस से ले गया वहाँ से 12 घंटे, फिर वहाँ से उन्होंने टिकट विकेट सब करवाया था इंडिया वाले ने, इंडिया के गवर्नमेंट ने, फिर वहाँ से हम लोग को फिर वही फ्लाइट थी दिल्ली की, एयर दुबई सॉरी एयर इंडिया साइड पड़ता है। जो मेन बच्चे थे वो खीव और खारकीव में थे, उनका बहुत बुरा, मेरी जैसे कोई फ्रेंड थी वो खीव में फंस गई थी, तो वो लोग को फिर इंडियन एम्बेसी ले जाके, मैं इंडियन ऑफिस एम्बेसी के ऑफिस में रखा जा रहा था, 300-400 बच्चे को एक साथ रखा जा रहा था, एक टाइम का खाना दे रहे थे वो लोग को, फिर एक रूम में पैक थी वो लोग, इतना रो रही थी हम लोग से, मतलब बोल रही थी कि हमें इंडियन एम्बेसी यहाँ से निकाले, बहुत दिनों से वो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, अभी भी नहीं निकल रहे हैं वो, मतलब 10 दिन मतलब हो गया 6-7 दिन से।